सबसे पहले सभी साई भक्तों को मेरा ओम साई राम। 8 महीने पहले यहाँ पर साई बाबा संस्थान का नया बोर्ड आया है। ये ट्रस्ट बोर्ड आने के बाद हम लोगों ने बहुत सारे अहम फैसले जो कि साई भक्तों के ओरिएंटेड है ऐसे लिए है। हम लोगों ने पहले दिन से हमारा एक मोटो रखा है कि साई भक्त और साई बाबा ये हमारे केंद्र बिंदु रखकर हमारे सब डिसीजन यहाँ पर हम लोग बोर्ड मीटिंग में ले रहे हैं। दूसरी बात हमारी इसमें यह है कि साई बाबा संस्थान का जो काम है वो पथदर्शी और पारदर्शी इस मोटो को लेकर हम लोग कर रहे हैं। साई भक्तों के लिए हम लोगों ने बहुत सारे अहम निर्णय यहाँ पर लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहले जो साई डिवोटी यहाँ पर शिरडी में आते हैं वो साई बाबा का दर्शन उन्हें शांतिपूर्वक मिले, अच्छे से मिले, इसलिए दर्शन को आते हैं। तो हम लोगों ने पहला डिसीजन लिया कि साई मंदिर में जो घंटों तक जो क्यू लगती थी उसको हम लोगों ने कंट्रोल करने के लिए तिरुपति के धरती पर टाइम स्लॉट दर्शन शुरू कर दिया। आपको शिरडी में आते ही हमारे जो काउंटर से वहाँ पर जाके वहाँ पर आपका एक फ़ोटो निकाला जाएगा, आपका थंब लिया जाएगा और उसके माध्यम से उसी पास पर आपको कितने बजे और कौन से गेट पर दर्शन करना है इसका वहाँ पर मेंशन रहेगा, ताकि साई भक्तों का जो घंटों तक दर्शन क्यू में टाइम जाता था वो टाइम उनका भी बच रहा है। उपयुक्त समय में वो बाकी मंदिरों का दर्शन करके बच्चों को खाना वाना खिलाकर वहाँ पर दर्शन करके आराम से निकल रहे हैं।